भींगाबाद सीओ के साथ हुए जानलेवा हमला को लेकर आदिवासी समाज में भारी रोष देखा जा रहा है। बताया जाता है भींगाबाद के सीओ कृष्ण कुमार मरंडी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन डोर टू डोर के अभियान में गए महुआर में बीते दिनों मारपीट कर जानलेवा हमला किया गया था। इस बात को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं आदिवासी समाज के जुवकों के द्वारा भींगाबाद थाना पहुंचकर भींगाबाद प्रशासन से अविलंब गिरफ्तार करने की मांग किया है। बताया जाता है रामचंद्र ठाकुर मुख्य आरोपी को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे आदिवासी समाज। भींगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। हमारे पदाधिकारी भींगाबाद अंचल के अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार मरंडी गए हुए थे। उनका काम था कोरोना के प्रति जागरूकता करना, जागरूक करना। लेकिन जिस तरह से अंचलाधिकारी के साथ मारपीट हुआ है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं, किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। भींगाबाद पुलिस प्रशासन अविलंब सीओ साहब के साथ जो मारपीट हुआ है, घटना का जो मुजरिम है, मेन अभियुक्त है रामचंद्र ठाकुर, उसको अविलंब गिरफ्तार करे। इसमें किसी तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं गिरिडीह जिला के आरक्षी अधीक्षक महोदय से, एक झारखंडी मानसिकता के अधिकारी को इस तरह कुचलने का और दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये न्याय थी गंदी बात है। मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन को आगाह कर देना चाहता हूँ। अगर सीओ साहब के साथ जो मारपीट हुआ है, मुजरिम राजेंद्र ठाकुर की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो निश्चित रूप से यहाँ आदिवासी समाज में आग उगलेगा और निश्चित रूप से हम कहते हैं अभियुक्त का आदिवासी समाज चंद्रा करेगा, जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। कई तरह की बातें आ रही है सीओ साहब को लेकर के, लोगों का कहना क्या सत्य क्या है इसमें, क्या शराब को लेकर के जो बातें चल रही थी जिसके कारण विवाद भी हो गया समाज में, आपका मानने की बात है? किसी आदिवासी को मैंने दारू पिया है कह दीजिएगा, क्या ये मानेंगे? कौन कहता है मैं दारू पिया नहीं पिया? आप चेक जाँच करके देखिए, तो जांच का विषय है। ठीक है, कौन कहाँ जाता है नहीं जाता है उसका व्यक्तिगत मामला है। अब किसी को आदिवासी को मैंने जबरन कर दीजिएगा दारू पिया है, ये गलत बात है। मैंने आदिवासी समाज का ये बेइज्जती है, सब आदिवासी दारूए पीता है, ये गलत बात है। इनसे फिर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट बताएंगे थोड़ा सा? मैं इस पर किसी तरह का टिक्का टप्पी नहीं करना चाहता हूँ और ना किसी को इस फ्रंट पर लाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मांग करता हूँ, भारतीय लोकतंत्र में किसी को कानून में हाथ लेने का अधिकार नहीं है। भींगाबाद पुलिस प्रशासन अविलंब जो अभियुक्त है रामचंद्र ठाकुर, उसकी गिरफ्तारी करे, मैं ये मांग करता हूँ। थैंक यू जी। नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो जय।